वेलकम बैक टू माय चैनल टू evidyarthi.in। मैं हूँ वेदिता एंड आज की वीडियो में मैं वोकैबुलरी वर्ड्स लेकर आई हूँ आपके लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड क्या है। मॉइस्ट। मॉइस्ट का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? गीला, गीला होना। आपको पता होगा कि जब बारिशों का मौसम होता है, बरसातों के मौसम में भी बहुत गीला वेदर होता है, चिपचिपा वेदर होता है। तो इसी तरह से हम एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं, His eyes were moist with tears. उसकी आंखें आंसुओं से नम हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, bland. Bland का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? फीका। तो आप कह सकते हैं फीका खाना। तो बहुत सारे लोगों को फीका खाना खाना पसंद है। Some people prefer to eat bland food. Next is bitter. Bitter का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? कड़वा। कड़वा, तो आप जानते होंगे कि मेडिसिंस जो होती हैं, दवाइयां जो होती हैं, उनका टेस्ट बहुत ही बिटर होता है, कड़वा होता है। सो द मेडिसिन टेस्ट्स बिटर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हेयर रेजिंग। हेयर रेजिंग मतलब हेयर मतलब बाल और रेजिंग मतलब खड़े हो जाना। तो आप कह सकते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। तो यू कैन से मेरे दोस्त ने रोंगटे खड़े होने वाली कहानी सुनाई। माई फ्रेंड टोल्ड अ हेयर रेजिंग स्टोरी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, वर्मिलियन। वर्मिलियन बहुत ही डिफरेंट एंड नया वर्ड है, बट इसका मीनिंग बहुत ही कॉमन है और आपने सुना होगा। इसका मीनिंग है सिंदूर। सिंदूर आप जानते ही होंगे, शादी के टाइम पर सिंदूर का यूज किया जाता है। और आपको पता होगा कि सिंदूर का कलर कैसा होता है फ्रेंड्स? रेडिश और मरूनिश कलर होता है, रेड और मरून टाइप्स का कलर होता है। तो आप ऐसे भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। पायल वॉज वेयरिंग अ जैकेट ऑफ वर्मिलियन, और यू कैन से अ पायल वॉज वेयरिंग अ जैकेट ऑफ ब्राइट वर्मिलियन। पायल ने चमकीले सिंदूर की जैकेट पहनी हुई थी। नेक्स्ट वर्ड है परहैप्स। परहैप्स बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है फ्रेंड्स, और इसका मतलब क्या है? शायद। परहैप्स इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। चलिए आज का लास्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है, लिटरली। लिटरली का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? सच मुच। तो आप कह सकते हैं लिटरली माय सिस्टर हैज लॉस्ट टू मच वेट। सचमुच मेरी बहन ने बहुत ज्यादा वजन कम कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये है मेरे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स। आई होप आपने अंडरस्टैंड करा होगा एंड नए वर्ड्स को सीखा है। प्लीज आप इन्हें यूज करिए अपने लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर कॉमेंट करिए। तो फ्रेंड्स बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।